प्रिय विद्यार्थियों मित्रों, आपको परिष्कार ऑनलाइन क्लास में यूट्यूब चैनल पर आपका अभिनंदन, आपका स्वागत। तो सभी हम वो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो सभी प्रतियोगिता परीक्षा में से राजस्थान पुलिस, पटवार, रीट, आरएस, जो सभी परीक्षाओं प्रतियोगिता परीक्षा में आने वाले टॉपिक को हम आज पढ़ने जा रहे हैं, जिस टॉपिक का नाम है हड़प्पा सभ्यता। क्या नाम है? हड़प्पा सभ्यता। तो सबसे पहले आपको इसके बारे में इंट्रोडक्शन, परिचय कि हड़प्पा सभ्यता क्या है, कि हड़प्पा सभ्यता के तीन नामकरण है। हड़प्पा सभ्यता के कितने हैं? तीन नामकरण। इसको सिंधु सभ्यता भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सिंधु सभ्यता। इसको सिंधु सभ्यता कहते हैं। एक दूसरा नाम है इसका सिंधु घाटी। दूसरा नाम क्या है इसका? सिंधु घाटी। और तीसरा नाम है इसका हड़प्पा सभ्यता। तो आपको पता है हड़प्पा सभ्यता, इन तीन नामों से हड़प्पा सभ्यता को जाना जाता है, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी और हड़प्पा सभ्यता। क्योंकि सबसे जो उपयुक्त नाम है, जो सबसे उपयुक्त नाम है वो हड़प्पा। क्यों? क्योंकि हड़प्पा सभ्यता इसका उपयुक्त नाम इसलिए है क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता भारत से बाहर भी विकसित हुई थी, इसलिए इसका नाम पड़ा हड़प्पा सभ्यता। अब इसके बाद में प्रश्न उठता है कि हड़प्पा सभ्यता को की ओर तरफ सबसे पहले जो ध्यान जो आकर्षित किया 1826 में, सबसे पहले जो ध्यान आकर्षित किया जनता की तरफ से या लोगों की तरफ, जिसका नाम था चार्ल्स मेसन। तो चार्ल्स मेसन ने जनता की ओर इस हड़प्पा सभ्यता का ध्यान आकर्षित किया। उसके बाद में प्रश्न उठता है इसके इसी टॉपिक में कि हड़प्पा सभ्यता को, क्योंकि ये ज़्यादातर हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई, तो टेक्नोलॉजी तकनीकी के कारण इसका नाम पड़ गया हड़प्पा सभ्यता 1826 में चार्ल्स मेसन लोगों की तरफ। उसके बाद में प्रश्न आता है कि 1853 और 56 के बीच में एक कनिगम नाम का पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष आए थे। कनिगम ने इस पर 1853-56 में इसका सर्वे करवाया और उसके बाद में जो सबसे पहले इस सभ्यता का जो सबसे पहले स्थल खोजा गया था और वो था हड़प्पा। क्या नाम था? हड़प्पा। अब आपसे इसमें ये भी ध्यान में रखना है कि प्रश्न इस तरह से आ जाए कि सिंधु सभ्यता, सिंधु घाट, हड़प्पा सभ्यता के निर्माता कौन थे। तो सबसे पहले इसका निर्माता के बारे में पढ़ना है कि इसके निर्माता कौन थे। तो इसको लेकर भी आपको पता है अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तर्क दिए। तो सबसे पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ कि सिंधु सभ्यता में या हड़प्पा सभ्यता में चार प्रजातियाँ आ गई थी। इन चार प्रजातियों ने यहाँ पर आगमन किया। चार प्रजाति कौन कौन सी थी? पहली यदि उसको पढ़ें, पहली प्रजाति थी प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट, दूसरी जो प्रजाति थी वो मतलब भूमध्य सागरीय थी, तीसरी यदि प्रजाति करें तो इसका नाम था अल्पाइन, और चौथी यदि प्रजाति का नाम ले तो मंगोलाइड। तो लेकिन ये मुद्दा उठ गया कि सिंधु सभ्यता, आखिर सिंधु सभ्यता के निर्माता मुख्यतः भूमध्य सागरीय थे, और क्योंकि वैसे सिंधु सभ्यता के पहले जो निर्माता थे प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट, जो मोहनजोदड़ो के आसपास उन्होंने अपना मतलब अपना स्थान बना लिया। तो सिंधु सभ्यता के, अब अलग अलग भारतीय विद्वानों ने भी इनकी अलग अलग निर्माता बताए। सबसे पहले यदि मैं बात करूं डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप, तो डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप ने सिंधु सभ्यता के निर्माता आर्य बताया। क्या बताया उन्होंने? आर्य बताया। दूसरा यदि मान करूं अमलानंद घोष, तो डॉक्टर अमलानंद घोष ने आर्य सभ्यता के निर्माता स्वाति संस्कृति के लोगों को बताया। उसके बाद में यदि मैं और इस तरह को बढ़िया बताऊं कि सिंधु सभ्यता के निर्माता डॉक्टर दयाराम साहनी का यदि मैं बात लूं, तो डॉक्टर दयाराम साहनी ने इस सभ्यता को, आपको पता है, निर्माता भूमध्य सागरीय और आर्य बताए। तो इस तरह से ये इसके निर्माता। अब इसका आता है इसका कार्यकाल। सबसे पहले इसका बता, आर्य सभ्यता का मेन, वैसे अलग अलग विद्वान अलग अलग तर्क देते हैं, लेकिन सबसे यदि हम रेडियो कार्बन विधि की बात करें, रेडियो कार्बन विधि, रेडियो कार्बन C14, रेडियो कार्बन विधि कहती है कि हड़प्पा सभ्यता का जो सर्वमान्य जो तथ्य, सिंधु सभ्यता का जो अवधि थी वो 2300 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व इसकी अवधि थी। ये अवधि बताती है इसके, और ये सर्वमान्य तथ्य माना जाता है रेडियो कार्बन विधि। अब उसमें 1931 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने इसकी तिथि बताई 1931, लेकिन सर्वमान्य जो तथ्य है वो है 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व रेडियो कार्बन विधि, ये विधि सर्वमान्य विधि मानी जाती है। उसके बाद में इसका प्रश्न उठता है कि सिंधु सभ्यता का, अब आपसे वो इस तरह से डायग्राम पूछ ले कि सिंधु सभ्यता का यदि डायग्राम के माध्यम से समझना है तो ये इसका उत्तरी छोर था। ये इसका क्या था? उत्तरी छोर था, और ये इसका दक्षिणी छोर था, और ये इसका पूर्वी छोर था, और ये इसका पश्चिमी छोर था। तो इस तरह से यदि हम अब डायग्राम के, तो आपको पता है उत्तरी जो छोर था उसका उत्तरी जो भाग था वो था मांडा, मांडा सभ्यता थी, और आपको पता है मांडा सभ्यता जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के किनारे हैं।
तो मांडा सभ्यता चिनाव नदी, ऐसे हम ऐसे भी कर सकते हैं, चिनाव नदी के किनारे विकसित हुई थी और जेपी और मधुशाला ने इसकी खोज की थी। दक्षिणी छोर की यदि बात करें तो आपको पता है दक्षिणी छोर में देमाबाद और आपको पता है देमाबाद परवरा नदी के किनारे विकसित हुई थी, परवरा नदी के किनारे। और यदि हम बात करें पूर्व की ओर तो आपको पता है पूर्वी जो छोर था वो आलमगीर था, कौन सा? आलमगीर। और आपको पता है आलमगीर जो सभ्यता थी वो कहाँ विकसित हुई? आलमगीर सभ्यता हिंडन नदी के किनारे। यदि हम इसको मैं और आपको बढ़िया बताऊँ, आगे नदी लिख सकते हैं हम, हिंडन नदी के किनारे। ये कौन सी नदी के किनारे? हिंडन नदी के किनारे ये विकसित हुई। और पश्चिमी की बात करूँ तो आपको पता है पश्चिमी की ओर जो भाग था सुत का गेंडौर, और सुत गेंडौर जो सभ्यता मतलब जो विकसित हुई थी वो दाशक नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? दाशक नदी के किनारे। अब आपसे वो लंबाई और चौड़ाई पूछता है कि इसका कुल कितने थी। आपको बताए उत्तर से दक्षिण जो इसका छोर था वो था 1400 किलोमीटर। कितना? 1400 किलोमीटर। यदि मैं बात करूँ पूर्व से पश्चिम तो पूर्व से पश्चिम इस कितने किलोमीटर में थे? 1600। और यदि आपको इसका पूरा क्षेत्रफल पूछे तो सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल आपको पता है 13 लाख था। कितना था? 13 लाख वर्ग किलोमीटर में ये फैली हुई थी। और यदि मैं इसकी आकृति बताऊं तो इसकी आकृति त्रिभुजाकार थी। कौन सी आकृति थी? त्रिभुजाकार आकृति थी। अब आपसे वो भी और भी प्रश्न कि सिंधु सभ्यता में यदि मैं इसको और बढ़िया तरीके से मान लो आप यदि इनको डायग्राम के द्वारा समझे तो आपको पता है सिंधु सभ्यता का इस इधर साइड में अफगानिस्तान के दो ही क्षेत्र ऐसे, जैसे मैं यदि उदाहरण दूं मुंडी गाक और सौरत घुई, ये दो ऐसे क्षेत्र हैं जिस सिंधु सभ्यता का अफगानिस्तान में दोनों क्षेत्र अफगानिस्तान में विकसित हुए थे। और बाकी सिंधु सभ्यता का क्षेत्र बाहर पूर्व उत्तर दक्षिण सब क्षेत्रों में सिर्फ अफगानिस्तान में दो ही क्षेत्र थे। उसके बाद में यदि हम इसको और बढ़िया तरीके से पढ़ें कि भाई सिंधु सभ्यता आपको सबसे पहले यदि टॉप सिंधु सभ्यता का जो सबसे पहले, अब आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि इसको सिंधु सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि हड़प्पा सभ्यता का नाम जो सिंधु सभ्यता जो नाम दिया था वो दिया था सर जॉन मॉर्सल ने ये सिंधु सभ्यता का नाम दिया था। क्योंकि भारत में पुरातत्व विभाग के जो महानिदेशक बनाए गए थे वो सर जॉन मॉर्सल को बनाया गया था और सर जॉन मॉर्सल ने ये सिंधु सभ्यता नाम दिया था। अब आपसे वो प्रश्न पूछ रहा है कि सबसे पहला स्थल, क्योंकि सबसे पहले जो स्थल खोजा गया था वो हड़प्पा खोजा गया था इसलिए इसका नाम कोई इस नाम के लिए हम अतिशयोक्ति नहीं है क्योंकि इसके सबसे पहले हड़प्पा स्थल खोजा गया था। अब यदि मैं इसकी बात करूँ हड़प्पा सभ्यता तो इसको भी हम अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं कि सबसे पहले आपको इसकी स्थिति पाकिस्तान में कौन से जिले में, नदी कौन सी है, क्या इसकी विशेषताएं हैं, तो इसको हम बढ़िया तरीके से लिखें। तो सबसे पहले यह ध्यान में रखना है हड़प्पा सभ्यता की सबसे पहले जो खोज हुई थी वो 1921 में हुई थी। कब हुई थी? 1921 में। उसके बाद में यदि इसको पूछें कि भाई नदी तो आपको पता है कौन सी नदी के किनारे, तो आपको पता है हड़प्पा सभ्यता पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर यह सभ्यता क्या हुई थी? विकसित हुई थी। अब आपसे और प्रश्न पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता एक और बढ़िया इसको यदि हम इसको हम नोट के रूप में लिखें तो हड़प्पा सभ्यता के लोग ऋग्वेद में, ऋग्वेद एक आपको पता है हिंदू ग्रंथ था, हिंदुओं का सबसे प्राचीन ग्रंथ था, और ऋग्वेद में इसका नाम आपको पता है हरियूपिया के नाम से संबोधित किया गया था। तो ये हड़प्पा सभ्यता सबसे पहले खोजा गया स्थल था, 1921 में इसकी खोज हुई, राय बहादुर दयाराम साहनी ने इसकी खोज की, ये पाकिस्तान के मॉन्टगोमरी जिले में, और यदि मैं इसको और वर्तमान में ये साहिवाल जिले में। उसके बाद में आपको पूछे कि हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं, तो हम लिख सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है अभिलेख युक्त मोहरें, बाकी मोहनजोदड़ो में सर्वाधिक मोहरें मिले लेकिन अभिलेख युक्त नहीं थी, हड़प्पा सभ्यता में अभिलेख युक्त मोहरें मिली, पहली विशेषता। दूसरी, हड़प्पा सभ्यता में आपको पता है एक स्त्री के गर्भ से, बहुत अच्छा प्रश्न है, स्त्री के गर्भ से एक पौधे की मृण मूर्तियां का ऐसा मोहरों पर प्रमाण मिला, दो विशेषता। तीसरी पॉइंट इसका मन गया कि हड़प्पा सभ्यता से आपको पता है गंठिया रोग के इससे क्या मिले, प्रमाण मिले। और भी इसकी विशेषता में लिख सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता से हमें और बढ़िया लिखें, हड़प्पा सभ्यता से हमें एक कांसे का दर्पण मिला, क्या मिला? कांसे का दर्पण। और भी है हड़प्पा सभ्यता से एक मतलब पुरुष का धड़ की पाषाण मूर्ति मिली थी। और भी इससे हम पढ़े कि हड़प्पा सभ्यता से आपको पता है एक लकड़ी का बना
ताबीज ताबूत मिला। और भी हम इसको पढ़ें, हड़प्पा सभ्यता से आपको पता है जैसे एक बकरा और बकरे के शव के साथ एक मनुष्य का अस्थि पंजर का भी प्रमाण कहाँ मिला, हड़प्पा सभ्यता में। तो ये तो कौन सी सभ्यता में हो जाएगा, हड़प्पा सभ्यता में। इसको हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से संबोधित करेंगे। उसके बाद में इसका दूसरा यदि हम टॉपिक पढ़ें तो मोहन जोदड़ो ये भी अच्छा टॉपिक है और परीक्षा में ज़्यादातर दृष्टि से मोहन जोदड़ो से क्वेश्चन उठता है। और यदि मैं को आप इसको नोट में लिखें, हड़प्पा सभ्यता से एक RH कब्र मिली थी 37 कब्रिस्तान, बाकी सिंधु सभ्यता के जितने भी स्थल थे कब्रिस्तान नहीं मिले, सिर्फ हड़प्पा सभ्यता से मोहन जोदड़ो से कब्रिस्तान का प्रमाण ही नहीं मिला। अब प्रश्न आता है मोहन जोदड़ो, तो इसके बारे में भी पढ़ सकते हैं कि मोहन जोदड़ो सभ्यता, इसका अलग लिख लो, नदी लिख लो पहले या खोज लिख लो बोलाई। तो मोहन जोदड़ो सभ्यता की खोज 1922 में राखल दास बनर्जी ने की थी। किसने की थी, राखल दास बनर्जी ने। अब उसकी नदी आ जाए तो आपको पता है ये सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी। ये मोहन जोदड़ो सभ्यता किस नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे। अब आपको पढ़ना है प्रॉपर कि ये मोहन जोदड़ो सभ्यता है, मोहन जोदड़ो सभ्यता पाकिस्तान के सिंध के लरकाना जिले में और ये सिंधु नदी के किनारे हुई। अब आपको पता है ये मोहन जोदड़ो, क्योंकि पाकिस्तान में सिंध जो प्रांत है वहां पर सिंधी भाषा बोली जाती है, तो मोहन जोदड़ो एक सिंधी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है क्या, मृतकों का टीला। अब इसका उपाधि ले लो बोले, मोहन जोदड़ो के तीन नाम है, एक तो इसका नाम है मुर्दों का या मृतकों का टीला, एक दूसरा इसका नाम है सिंध का बाग, इसको सिंध का बाग भी कहते हैं, और यदि तीसरे में बात हूं इसे सिंध का नकलिस्तान भी कहते हैं। अब उसके बाद में आपको और बढ़िया प्रश्न पूछा जा सकता है कि मोहन जोदड़ो सभ्यता सिंधी भाषा में, एक और प्रश्न में इसको यदि मैं आपको टॉप दृष्टि से लिखाऊं, पिगट मोदे, एक पिगट मोदे हुआ था तो बहुत अच्छी बात कही थी, पिगट मोदे ने कहा था कि हड़प्पा और मोहन जोदड़ो सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानियां हैं। पिगट मोदे ने एक परिभाषा की कि हड़प्पा सभ्यता और मोहन जोदड़ो सिंधु सभ्यता की क्या है, जुड़वा राजधानी, तो मोहन जोदड़ो। उसके बाद में इसकी हम विशेषता पढ़ लेंगे। अब एक सबसे टॉप जो परीक्षा में प्रश्न जाता है कि मोहन जोदड़ो सभ्यता में सबसे पहले यदि मैं इसकी विशेषता के रूप में पढ़े तो विशाल स्नानागर, वृद्ध स्नानागर मिला था। अब आपको पता है विशाल स्नानागर की क्या विशेषता, जैसे मान लो यदि मैं मना के बताऊं कि ये विशाल इस तरह से मतलब स्नानागर बने हुए थे, और यदि मैं इसको करूं ये सीढ़ियां होती थी, ऐसे सीढ़ियां और ऐसे सीढ़ियां बनी होती थी, और एक ध्यान रखना ये उत्तरी छोर था, उत्तरी छोर, और ये दक्षिणी छोर था, और ये पूर्वी छोर था, और ये पश्चिमी छोर था। अब आपसे वो प्रश्न पूछ रहे हैं कि एक ध्यान रखना उत्तरी छोर ये सीढ़ियां बनी हुई थी और ये सीढ़ियां थी। अब ये का जो क्षेत्र था नहीं, ऐसे ये का क्षेत्र, इसका मतलब यहां से जल निकासी की व्यवस्था थी कि भाई यहां से जल निकासी की व्यवस्था थी, जल निकास होता था। उसके बाद में यदि हम टॉप पढ़े प्रश्न, अब आपको देखो ध्यान रखना है, एक सबसे टॉप यहां से विशाल स्नानगर मिला, और इसी विशाल स्नानगर की एक विशेषता थी लंबाई चौड़ाई और गहराई, तीनों बताई, तो इसकी लंबाई 15, चौड़ाई यदि बात करें तो 7, और इसकी गहराई 2.5। तो इसकी आपको पता है कि इसकी लंबाई कितनी 14, और इसकी चौड़ाई, इसकी आपको पता है याद रखना है चौड़ाई इसकी कितनी 7 और गहराई 2.5। तो ये इसकी उत्तरी छोर जो विशाल स्नानगर था। अब इसमें एक कोटेशन लिखा जाता है, आपको पता है सर जॉन मॉर्सल ने विशाल स्नानगर को पूरे तत्कालीन सभ्यता में इसे आश्चर्यजनक निर्माण की उपाधि दी थी। उसके बाद में देखो मोहन जोदड़ो की विशेषता शुरू होती है, तो पहला उसकी विशेषता होगी विशाल स्नानागर। दूसरी यदि बात करूं अनानागर, अनानागार। अब आपसे ये प्रश्न, ये सिंधु सभ्यता में मोहन जोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत थी विशाल अनानागर, ये मोहन जोदड़ो सभ्यता की सबसे बड़ी, सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी अनानागर की विशेषता थी। उसके बाद में और पढ़ से मोहन जोदड़ो सभ्यता से तीसरी विशेषता है यहां से कांसे की बनी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कांसा, क्योंकि इसको कांसे युगीन सभ्यता कहते हैं, कांसे की बनी, बहुत अच्छा क्वेश्चन, कांसे की बनी नर्तकी, कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति मिली थी, कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति, जो सबसे ज्यादा प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। और इसी को थोड़ा प्रश्न घुमा दे कांसे का रथ, तो प्रश्न थोड़ा अलग हो जाता है, कांसे का रथ देमाबाद महाराष्ट्र, तो कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति मिली, विशाल स्नानागर मिला, विशाल अनानागर मिला। और भी है, इस
एक सबसे यदि टॉप क्वेश्चन इसको यदि मुंह जोगड़ो सभ्यता पर एक ध्यान रखना, सिंधु सभ्यता के लोग सर्वप्रथम जो खेती करते, जो खेती करनी सीखे थे वो कपास की खेती करनी सीखे थे। और एक ध्यान में रखना इसको कि भारत में सिंधु सभ्यता से पहले कपास की खेती के प्रमाण मिल गए थे, मेहरगढ़। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मेहरगढ़ जो आपको पता है पाकिस्तान में, मेहरगढ़ बलूचिस्तान, सबसे पहले कपास की खेती के प्रमाण मेहरगढ़ में मिले थे। लेकिन आपको पता है वस्त्र निर्माण का जो उत्पादन था वो मोहनजोदड़ो सभ्यता सेवा। और एक और अच्छा क्वेश्चन है कि विश्व में बुने हुए कपड़े, जो कपड़े बुने जाते कब, विश्व में कपड़े बुने हुए कपड़े का जो सर्वप्रथम जो प्रमाण मिला वो मोहनजोदड़ो सभ्यता में मिला। और कपास की सर्वप्रथम खेती मेहरगढ़ होते थे, लेकिन सिंधु सभ्यता में वस्त्र निर्माण का प्रमुख केंद्र माना जाता था। उसके और भी प्रश्न बनते हैं कि मोहनजोदड़ो सभ्यता से मलेरिया के प्रमाण मिले थे, कि मलेरिया की भाई किसी महामारी के कारण मोहनजोदड़ो सभ्यता नष्ट, जिसके कारण वहां मलेरिया के क्या मिले प्रमाण। और भी इसका 18 कि मोहनजोदड़ो सभ्यता से पुजारी की खोपड़ी मिली, क्या मिली, पुजारी की खोपड़ी मिली, एक सूती कपड़े से लिपटा हुआ कंकाल मिला। मोहनजोदड़ो सभ्यता से कांसे, जैसे आपको ऐसे पता कांसा, क्योंकि वो कांसे युगीन सभ्यता थी सिंधु सभ्यता, तो कांसे तांबा और टीन से बनता था, इस तरह से मोहनजोदड़ो सभ्यता से ये क्या मिले प्रमाण मिले। और मैं यदि इसको बढ़िया और तरीके से बता दूं, मोहनजोदड़ो सभ्यता से आपको पता है वहाँ पर विश्वविद्यालय, स्कूल या जो अनाना घर होते थे, इस तरह से सारी सामग्री मोहनजोदड़ो सभ्यता में मिली थी। तो ये तो थी कौन सी, मोहनजोदड़ो सभ्यता। अब आपसे आपके ध्यान में रखना है तीसरा, यदि हम सभ्यता पढ़े तो काली बंगा, बहुत अच्छा टॉपिक है। अब इसमें आपको ध्यान में रखना है, इसको ध्यान रखना पहले काली बंगा सभ्यता, डॉक्टर सबसे पहले इसका यदि हम कोटेशन पढ़ें, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने काली बंगा सभ्यता को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा था। उसके बाद में यदि इसको पढ़े, काली बंगा नाम से पता चल रहा है, काली बंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काली चुड़िया। ये गगर नदी के किनारे हुई, गगर नदी के किनारे विकसित हुई थी और ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। अब आपसे वो प्रश्न पूछ रहे हैं कि कालीबंगा सभ्यता, तो आपको पता है मैंने दशरथ शर्मा कोटेशन, कालीबंगा सभ्यता की खोज 1952 में डॉक्टर अमलानंद घोष ने की थी, अमलानंद घोष, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अमलानंद घोष ने। और 1961-63 में बीबी लाल और बीके थापर ने इसका क्या करवाया, उत्खनन करवाया। और भी प्रश्न बनते हैं, अब आपसे वो प्रश्न पूछ रहे हैं कालीबंगा सभ्यता की विशेषता बताएं, तो सबसे यदि पिछली बार प्रश्न आया भी है कालीबंगा सभ्यता का, सबसे जो प्रश्न जूते हुए खेत, विश्व में जूते हुए खेत के प्रमाण, इसके प्रमाण में यदि हम और अच्छा लगे, विश्व के जूते हुए प्रमाण के सर्वप्रथम उदाहरण कालीबंगा सभ्यता है, लेकिन एक पिराक सभ्यता भी है बलूचिस्तान में। पिराक सभ्यता में भी एक जुते हुए खेत के और बीज से भरे हुए खेत का क्या मिला, प्रमाण मिला। उसके बाद में जुते हुए खेत, विश्व में जुते हुए खेत के प्रमाण। तीसरी इस दूसरी इसकी विशेषता है, कालीबंगा सभ्यता पूरी सिंधु सभ्यता में एक ऐसा स्थल था जहां पर मतलब व्यक्ति का संस्करण होता था, जो दाह संस्कार होता था वो तीन विधियों से होता था। तीन विधियों का जो संस्करण या विधि से जो संस्कार होता था वो किस सभ्यता की विशेषता थी, कालीबंगा सभ्यता की। तीसरी विशेषता कहते हैं कालीबंगा सभ्यता में प्राचीनतम भूकंप के क्या मिले, साक्ष्य मिले। और भी आता है एक, यदि मैं इसको डायग्राम के द्वारा यदि माध्यम से समझाऊं तो आपको पता है सिंधु सभ्यता, अरे कालीबंगा सभ्यता में ऐसे आपको पता है जालीनुमा एक ऐसे खेती, मतलब खेती किया करते थे और एक साथ दो फसल बोने के क्या मिले, प्रमाण मिले। अब यदि इसको मैं आपको डायग्राम, ये उत्तरी छोर है इसका, ये इसका दक्षिणी छोर है और इधर ये पूर्वी छोर हो जाएगा और इधर इसका पश्चिमी छोर आ जाएगा कालीबंगा सभ्यता में। तो आपको ध्यान में रखना है कि किस तरह से वो, जैसे यदि हम अच्छी बुक पढ़ें तो सिंधु कालीबंगा सभ्यता में दो फसल बोते थे, जैसे 100 यहाँ पर तो 190 सेमी में और यहाँ पर 30 सेमी में, यहाँ तो सरसों बोई जाती थी और यहाँ चना बोया जाता था। अब आपसे वो पढ़ना है कि कितना अंतर होता था, जो कम दूरी पर जो होती थी वो क्या होती थी, सरसों को बोया जाता था, और अधिक दूरी पर हरैया जो होती थी उसको क्या बोया जाता, चना। तो दो फसल एक साथ दो फसल बोने के क्या मिले, प्रमाण मिले। और भी है कि कालीबंगा सभ्यता से चौथी विशेषता है कि इस सभ्यता से युग्म समाधान, तीन युग्म समाधान के क्या मिले, प्रमाण मिले। उसके बाद में और कालीबंगा सभ्यता से आपको पता है एक और भी बढ़िया चीज है कि कालीबंगा सभ्यता से अलंकृत, जो कालीबंगा सभ्यता जो मकान होते थे, जो फर्श होते थे, मकान के फर्श की जो इंटे होती थी वो अलंकृत इंटे होती थी, अलंकृत इंटों में उसके फर्श का निर्माण होता था। और एक सबसे बड़ी बात है कि वहां पर पेड़ से चालित चक्की,
पैर से 40 चक्की का क्या मिला, कालीबंगा सभ्यता से प्रमाण। और भी बढ़िया प्रश्न बनते हैं कि कालीबंगा सभ्यता में और भी है कि कालीबंगा सभ्यता से जैसे तंदूर होता था, तंदूर घरों में, प्रत्येक घर में तंदूर होते थे, और तंदूर में मतलब तंदूर से बनाने रोटी के क्या मिले, प्रमाण मिले, और ऊंट की हड्डियों के प्रमाण भी किस सभ्यता से मिले, कालीबंगा से। एक और बढ़िया टॉप इसमें क्वेश्चन बनता है कि कालीबंगा सभ्यता से सबसे जो बढ़िया ये क्वेश्चन बन रहा है कि कालीबंगा सभ्यता में मात्र देवी के से कोई प्रमाण नहीं मिले। और एक और अच्छी कि जो नालियां होती थी वो लकड़ी की बनी नालियां का प्रमाण मिला था, ये अपवाद स्वरूप है। उसके बाद में यदि उसको और में पढ़ें कि कालीबंगा सभ्यता से शल्य चिकित्सा, कि भाई ऐसे शल्य चिकित्सा के प्रमाण मिले, खोपड़ी एक बच्चे खोपड़े मिले, उसे 6 छेद मिले, तो शल्य चिकित्सा के प्रमाण भी किस सभ्यता में मिले, कालीबंगा सभ्यता में। तो ये थी कौन सी सभ्यता आपके, कालीबंगा सभ्यता। एक साथ दो फसल बोने के प्रमाण मिले तो मैंने बता दिया विश्व में जूते कहते हैं, एक तो कालीबंगा सभ्यता, एक पिराक बलूचिस्तान में, इन दोनों सभ्यता में ये आपको मिला कालीबंगा सभ्यता में।